जादुई चिड़िया। एक दिन चुन्नू और मुन्नी अपने घर के गार्डन में एक कटोरे में पानी भर रहे थे, तभी पापा भी आ गए। ये क्या कर रहे हो बच्चों? आज गार्डन में नहाओगे क्या? नहीं पापा, मैंने टीवी में देखा था कि गर्मियों के मौसम में नदी नाले सूख जाते हैं और पक्षियों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम पानी भर कर रख रहे हैं ताकि पक्षियों को पानी मिल जाए। अरे वाह, वेरी नाइस बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा तो तभी को करना चाहिए। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक छोटी सी चिड़िया आई और कटोरे में से पानी पीने लगी। उसे देख के तीनों बड़े खुश हुए। अरे वाह चुन्नू, पक्षी तो आने भी लग गए हैं। हाँ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना हमें देख के बहुत से पक्षी यहाँ आने में डरेंगे। यस पापा, चलो। तीनों जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़े, तभी धम्म से आवाज हुई। पीछे मुड़ के देखा तो एक प्यारी सी चिड़िया पानी के कटोरे के पास आकर गिरी पड़ी थी। ओ नो, लगता है इसे चोट लगी है। शायद इसे किसी ईगल या डॉगी ने पकड़ लिया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चुन्नू ने चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और उसे पानी के कटोरे के पास ले जाकर उसकी खुली चोंच में पानी की कुछ बूंदे डाली। पानी मिलने से चिड़िया को थोड़ा होश आया। उसने उड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वह इस हालत में नहीं थी कि उड़ सके। चुन्नू ने उसे अपने हाथों से सहलाया और बोला, जल्दी मत करो चूचू, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ फिर उड़ जाना, हम लोग तुम्हें पिंजरे में थोड़ी ना डालेंगे। चुन्नू और मुन्नी चिड़िया को घर में ले आए। मम्मी ने उसे खाने के लिए कुछ अनाज के दाने भी दे दिए। दाना और पानी मिलने के कारण चिड़िया की हालत में सुधार होने लगा। ऐसा करो चुचू, आज तुम आराम से हमारे साथ रहो, फिर कल सुबह अपने घर चली जाना। तभी चिड़िया ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और बोली, नहीं, मैं अब ठीक हूँ, मुझे घर जाना होगा, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। चिड़िया को बोलते देख घर में सभी आश्चर्यचकित हो गए। हाँ? तुम बोल भी सकती हो? हाँ, मैं जादुई चिड़िया हूँ, मैं इंसानों की भाषा समझती हूँ और उसे बोल भी सकती हूँ। आप सभी बहुत ही अच्छे हो, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। कभी मौका मिलेगा तो मैं भी आप लोगों के काम आऊंगी। लेकिन अब तुम हमें फिर से मिलोगी क्या? जब भी आसमान की तरफ मेरा नाम लेकर पुकारोगे मैं आ जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? आप लोगों ने ही तो नाम दिया है मुझे, चूचू। चलो अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है चूचू, चलो अब हम तुम्हें गार्डन में ले चलते हैं। चुन्नू और मुन्नी उसे बाहर ले आए। वहाँ से चूचू उड़ के आसमान में दूर चली गई। चुन्नू और मुन्नी उसे देखते रह गए। बाय बाय चूचू। कुछ दिनों के बाद चुन्नू और मुन्नी पापा के साथ कार से दादाजी के गांव जा रहे थे। माँ किसी कारण से उनके साथ नहीं आई थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उनकी कार खराब हो गई।
पापा ने बहुत कोशिश की लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ओफो, ये यहाँ जंगल में क्यों बंद हो गई? सब लोग कार से उतरे और पापा ने बोनट खोल के चेक किया। ओह, इसकी तो बैटरी खराब हो गई है, धक्का लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब कार में बैठो पापा, हम दोनों धक्का लगा देंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा बच्चों, आगे चढ़ाई है और कार में हवा भी कम है, किसी बड़े के आने का वेट करना पड़ेगा। तीनों कार के अंदर ही वेट करने लगे लेकिन बहुत देर हो गई, कोई गाड़ी ही नहीं निकली, अंधेरा होने लगा था। अब तो मुझे टेंशन होने लगी है, रात हो गई तो जंगली जानवर आ सकते हैं, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, वरना मैं किसी को फोन करके हेल्प बुला लेता। पापा सोच ही रहे थे कि मुन्नी को जादुई चिड़िया की बात याद आ गई। जब भी आसमान की तरफ मेरा नाम लेकर पुकारोगे, मैं आ जाऊंगी। मुन्नी तपाक से बोली। हेल्प बिना फोन के भी आ सकती है पापा, एक मिनट रखिए। मुन्नी ने चुन्नू को इशारा किया और दोनों कार से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखकर चूचू को बुलाने लगे। थोड़ी ही देर में जादुई चिड़िया उड़ते हुए यहाँ पहुँच गई। क्या हुआ चुन्नू मुन्नी, आज मुझे कैसे याद किया? हमारी कार खराब हो गई है चूचू, इसे धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन तुम तो इतनी छोटी हो, क्या तुम हमारी हेल्प कर पाओगी? छोटी हो तो क्या हुआ, बस तुम देखते जाओ। चूचू उड़कर आसमान में गई और चीची करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ उसके जैसी हजारों चिड़िया आ गई और चूचू ने पापा के पास आकर कहा, पापा आप कार में बैठ जाओ, फिर हम सब मिलकर धक्का लगाते हैं। पापा कार में बैठ गए। सारी चिड़ियों ने उड़ते हुए कार को पीछे से धकेलना चालू किया। उन सब की ताकत से कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और थोड़ी आगे जाके चालू हो गई। ये कार चालू हो गई। हुर्रे! अब आप लोग आराम से आगे जा सकते हो। थैंक यू चूचू। यू आर ऑलवेज वेलकम। ऐसा कह के चूचू अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से उड़ चली। चुन्नू और मुन्नी भी कार में बैठ गए। उन्हें अपनी नई फ्रेंड पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। Now the question time। क्या आपको पता है इंडिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहाँ अप्रोक्सीमेटली बर्ड की 400 स्पीशीज हैं और भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। ऐसी ही और शिक्षा प्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।